और खबर रायपुर से, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल आज होने वाला है। धान का तोल नहीं ते हल्ला बोल अभियान के साथ सड़क पर उतरेगी बीजेपी। प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मांग की जा रही है। किसानों के साथ धान खरीदी केंद्रों में बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। तो आपको बता दें, राज्य सरकार के खिलाफ आज बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। धान खरीदी केंद्रों में बीजेपी का आज प्रदर्शन होगा। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। किसानों के साथ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, जिस तरह से वादा किया गया था, मैनिफेस्टो में भी कहा गया था, रेट वहां पर डाले गए थे, इतने में किसानों से धान खरीदी होगी, पर अब ऐसा बदलाव क्यों किया जा रहा है? देखिए, प्रदेश में धान खरीदी को लेकर जो सियासत है वो अभी भी जारी है, और कांग्रेस सरकार ने जो किसानों से वादा किया था कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य में उनका धान खरीदा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो राड़ छिड़ी है उसके चलते अब ये कदम सरकार को उठाना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार ये दावा और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 2500 रुपए हालत में किसानों के खाते में जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडलीय कमेटी भी सरकार ने बनाई है, जो बजट सत्र के पहले जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंपेगी। किस तरीके से किसानों को 2500 देना है वो समिति वहां पर तय करेगी। तो हालांकि सरकार ने रवैया जरूर अपनाया है, लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो बीजेपी ने इसको लेकर अब रणनीति बनाई है, और आज प्रदेश भर के जितने धान खरीदी है केंद्र है वहां पर किसानों के साथ वो धरना देगी। रायपुर के बाद की जाए तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे प्रदर्शन में। इसके अलावा धरमलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपने गृह क्षेत्र बिल्हा में शामिल होंगे। तो ऐसे अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, और नेताओं को साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार के इस वादा खिलाफी का जोर शोर से वो जनता के बीच जाकर प्रचार करें। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में